हमारी दुनिया अजूबों से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ का लाइफ सर्कल कुछ घंटे होता है तो वहीं दूसरी तरफ किसी का लाइफ सर्कल अमर होता है। तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो पहले नंबर पर आती है न्यूजीलैंड लॉन्ग फिन ईल, जो कि एक तरह की मछली होती है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्रों में पाई जाती है। वैसे तो इनका लाइफ सर्कल 100 साल होता है, बट एक रिकॉर्ड में 106 साल की लॉन्ग फिन ईल को भी रिकॉर्ड किया गया था, जो कि 24 किलोग्राम की थी। जब ये छोटी होती हैं तो ये कीटों के लार्वा को खाकर अपनी ज़िंदगी जीती हैं, बट जब ये बड़ी हो जाती हैं तो ये दूसरी छोटी मछलियों को अपना शिकार बनाती हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं गैलापागोस कछुए। ये कछुओं की उन प्रजातियों में से आते हैं जो एक बहुत लंबी ज़िंदगी जीते हैं। इनका लाइफ सर्कल 170 साल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है और इनका वज़न 417 किलोग्राम तक हो सकता है। इनमें स्पेशल बात यह होती है कि इंसानी पहुंच से दूर रहना ही पसंद करते हैं। दुनिया भर में सिर्फ ऐसे दो ही आइसलैंड हैं जहां पर ये रहते हैं, जिसमें से एक का नाम है गैलापागोस आइसलैंड, जो कि इक्वाडोर नाम की कंट्री की ज़मीन से 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा है अल डाबरा आइसलैंड, जो कि तंजानिया देश की ज़मीन से 700 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट में पड़ता है। नंबर 3 पर आती है बोहेड वेल, जो कि आर्कटिक महासागर में रहती हैं। इनका लाइफ सर्कल 200 साल या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इनका सर एक धनुष की तरह होता है और इनकी बॉडी बहुत लंबी और डार्क कलर की होती है। ये पानी में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही तैर सकती हैं, जबकि ये 1000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को सुन सकती हैं। नंबर 4 पर आते हैं ओशन क्वाहोक, जो कि नॉर्मली एक लिविंग शेल्स होते हैं और नॉर्थ एटलांटिक महासागर में रहते हैं। वैसे तो इनका लाइफ सर्कल 400 साल होता है, बट एक इंडिविजुअल्स रिपोर्ट में 507 साल का ओशन क्वाहोक भी सामने आया था, जिसको ब्रिटिश न्यूज़पेपर संडे टाइम्स ने उनके वंश के आधार पर मिंग्स नाम दिया था। बाद में उसके असली रिसर्चर्स ने उसे हाफ रन नाम दिया। जिस ओशन क्वाहोक की आयु 507 वर्ष दर्ज की गई थी, उसका जन्म 1499 में हुआ था और उसकी डेथ 2006 में हुई थी। नंबर 5 पर आती है जेलीफिश। जेलीफिश का आकार एक घंटी की तरह होता है और ये अपनी बॉडी को आगे पीछे मूव करा के पानी में तैरती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये 700 करोड़ सालों से हमारी अर्थ पर एग्जिस्ट करती है, जो कि एक इंसान के इस अर्थ पर एग्जिस्ट होने से भी बहुत पहले का वक्त है। इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पेशल बात होती है या सबसे ज़्यादा हैरानी की बात जो इनके अंदर देखी जाती है, वो है इनका लाइफ सर्कल, क्योंकि इन्हें इमोर्टल यानी कि अमर माना जाता है। इन्हें बायोलॉजिकल इमोर्टल माना जाता है। बायोलॉजिकल इमोर्टल समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में बायोलॉजिकल मॉर्टल क्या होता है। बायोलॉजिकल मॉर्टल वो स्टेट होती है जब किसी लिविंग थिंग्स की एक स्टेट ऐसी आती है जिसमें उसके नए सेल्स बनना बंद कर देती है और उसकी इसी वजह से उसकी डेथ भी होती है। बट ये क्योंकि ये बायोलॉजिकल इमोर्टल होते हैं तो इनके अंदर वो स्टेट कभी आती नहीं है, यानी कि ये इसीलिए बायोलॉजिकल इमोर्टल हैं क्योंकि इनके अंदर बायोलॉजिकल मोर्टल जैसी स्टेट कभी आती नहीं है। जब भी ये ओल्ड एज की वजह से या कोई हैवी इंजरी की वजह से इनके सेल्स पुराने हो जाते हैं या फिर इनके सेल्स पे इंजरी आती है, तो ये अपनी पूरी बॉडी के सेल्स को ही चेंज कर लेते हैं। इसी वजह से ये बायोलॉजिकल इमोर्टल हैं। इनके अंदर एक हैरानी वाली बात ये भी होती है कि इनका 95 से 98% बॉडी का पार्ट पानी से मिलके बना होता है, और इनकी बॉडी के अंदर ना ही आँखें होती हैं, ना ही नाक होते हैं, ना ही कान होते हैं, ना ही माइंड होता है, ना ही हार्ट होता है। हालांकि ये अलग बात है कि बायोलॉजिकल इमोर्टल्स लिविंग थिंग्स भी किसी हैवी इंजरी की वजह से मर सकती हैं। तो ये थे वो बायोलॉजिकल इमोर्टल्स और कुछ स्ट्रेंज एनिमल्स जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता था। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेकर।